नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे जितिया की कथा। तो चलिए हम समय न व्यर्थ करते हुए इस कथा को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गुरुर और एक मादा लोमड़ी नर्मदा के नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते हुए देखने के बाद उन दोनों ने खुद भी इस उपवास को करने का निश्चय किया। उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे संपन्न के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील के संतान की लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन ग्रवंध के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने के साथ संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने भाइयों को अपने राज्य के सभी जिम्मेदारी दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्होंने एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया के रोने से कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है। उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप परीक्षराज गुरुर कोट चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गुरुर के चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाता है। तब गुरुर आता है और अपनी उंगलियां से लाल कपड़े से ढकते हुए जीमूतवाहन को पकड़ चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब वह गुरुर जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है ताकि हमारे भी संतान की रक्षा जीमूतवाहन करे। तो दोस्तों, आज की यह जितिया की कथा आप लोगों को पसंद आई हो। आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कथा जितिया की पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।